भाई खो जाने के बाद लोग उसे पाने की उम्मीदें छोड़कर निराश हो जाते हैं, लिहाजा दूसरा फोन भी ले लेते हैं। लेकिन नागपुर पुलिस ने खोए हुए 7,48,000 की लागत के कुल 53 मोबाइल फोन लौटाकर धारकों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। दरअसल मंगलवार 31 जनवरी को नागपुर पुलिस की यूनिट 2 के DCP राहुल मद्दी ने खोए हुए 53 मोबाइल फोन को पुलिस और सर्विलेंस सेल द्वारा बरामद किए जाने के बाद मोबाइल धारकों को सौंपा। इस दौरान लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पुलिस और सर्विलेंस सेल की मदद से बरामद किए गए इन खोए हुए फोन्स की कुल कीमत तकरीबन 7,48,000 बताई जा रही है। बरामद किए गए फोन्स में कई ब्रांडेड कंपनियों के महंगे फोन भी शामिल है। खोए हुए मोबाइल फोन को कुशल बरामद करके पुलिस द्वारा लौटाए जाने के बाद मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस दौरान मोबाइल धारकों ने DCP राहुल मदनी सहित नागपुर पुलिस का आभार जताया। प्रतीक्षा आगरे माझा नाव आहे आणि मोबाइल माझा ऑगस्ट मध्ये मिसिंग झाला होता झांसी राणी स्क्वेअर मधून। आणि काल मला फोन आला की तुमचा मोबाईल हरवलेला आहे का पोलीस स्टेशन मधून। मी म्हटलं हो, तर आज सकाळी त्यांनी यायला सांगितलं होतं मला 10 नंतर। त्यांनी शोधून काढलं हेच खूप मोठी गोष्ट आहे, त्यासाठी मी त्यांचा खूप खूप आभार आहे। मेरा मोबाईल मेरे घर से गया था और मैंने आके कंप्लेंट किया था तो पुलिस वालों ने तभी बोला था कि भैया टेंशन नहीं लेने का, मिल जाएगा। लेकिन जब तक नहीं मिला तब तक तो टेंशन था ही। तो कल फ़ोन आया कि भैया आपका फ़ोन मिल गया है, तो जानकर बड़ी खुशी हुई कि चलो पुलिस वाले ने ईमानदारी से मेहनत से काम किया। और मैं अपनी तरफ से जितने लोग मिले उनके सब की ओर से पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी अथक मेहनत से हमारा फ़ोन हमको वापस मिल गया। और ऐसे ही सहकार्य करते रहे, जनता आपके साथ है, अच्छे काम में हमेशा पुलिस का जनता साथ देगी। DCP जोन 2 के DCP राहुल मदनी ने इस कामयाबी के लिए सीताबर्डी पुलिस टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसी तरह हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यामध्ये जे सीताबर्डी पुलिस स्टेशन अंतर्गत जे मिसिंग मोबाइल चे रजिस्ट्रेशन त्यांनी केलेला आहे, जे तक्रार आमच्याकडे दिले त्याच्या अनुषंगाने IMEI नंबरवरून ते मोबाइल काही दिवसानंतर ट्रेस होतात। त्याच्यामध्ये जर कुठलं दुसरं सिम वापरलं गेलं तर कोणते ते सिम नंबर आपल्याला आणि तो मोबाईल नंबर आपल्याला प्राप्त होतो त्यावरून आपण हे मोबाईल शोधलेले आहेत। असे आपण 53 मोबाईल एकूण सायबर ब्रँचच्या मदतीने आणि DCP ऑफिसच्या मदतीने सिनियर PI बर्डी यांचे पथक आणि DB पथक यांनी हे मोबाईल शोधून काढलेले आहेत। आणि लोकांनाही एक आपल्या मार्फतीने निवेदन आहे की असे जर मिसिंग कुणाचे झाले असतील तर आम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यावी, आम्ही सायबरच्या माध्यमातून ते शोधून घेऊ। हा अंदाजे 7 ते 7.5 लाख रुपयाचा हा मुद्देमाल आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।